नमस्कार, मायसेल्फ मरिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मोंडल लॉ में हमने पहले देखा था, विवाह देखा, मैरिज देखा, इद्दत और मेहर पढ़ा। आज हम देखते हैं मुस्लिम विधि में डायवोर्स कितने प्रकार से हो सकता है, विवाह विच्छेद के प्रकार देखते हैं। तो मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद के तरीके क्या है या ढंग क्या है, किस प्रकार से दिया जा सकता है, उसको हम पहले समझते हैं कि मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद डायवोर्स, तो शिया और सुन्नी में कुछ अंतर है, देने के ढंग में अंतर है कि किस प्रकार से डायवोर्स दिया जा सकता है, उसमें अंतर है। तो सुन्नी में जहां विवाह करते समय साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, वहीं डायवोर्स तलाक देते समय सुन्नी में साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती, विटनेस की आवश्यकता नहीं होती। और जबकि शिया में तलाक देते समय दो साक्षी की आवश्यकता होती है, दो विटनेस होने जरूरी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अंतर शिया सुन्नी में साक्षियों का आता है। सेकंड अंतर आता है कि जो तलाक है वो लिखित में दिया जाना चाहिए या मौखिक में दिया जाना चाहिए। तो सुन्नी विधि वाले कहते हैं कि तलाक चाहे लिखित में हो चाहे मौखिक में हो, यानी लिखित भी दिया जा सकता है और मौखिक भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट होने चाहिए ताकि उसका भाव समझ आ सके। यानी सुन्नी शाखा वाले क्या कहते हैं कि जो तलाक दिया जाता है वो या तो लिखित हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही तरीकों से अगर दिया जा रहा है किसी भी तरीके से, पर उनके शब्द या उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जबकि शिया शाखा वाले ये कहते हैं कि तलाक जब भी दिया जाए वो मौखिक ही होना चाहिए, ओरल ही होना चाहिए, रिटन में वो मान्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जी जो बोलने के लिए सक्षम ही नहीं है, यानी वो ओरल डायवोर्स या तलाक नहीं दे सकता, तो वहां पर वो लिखित में दे सकता है। उस लिखित में दिए हुए तलाक का प्रभाव ये होगा कि मानो वो मौखिक ही ओरल ही दिया गया था। नेक्स्ट अंतर यह आता है, थर्ड अंतर सुन्नी विधि में, सुन्नी शाखा में तलाक चाहे नशे में दे, चाहे दबाव में दे, चाहे मजाक में दे, यानी उसका इंटेंशन नहीं भी है, फिर भी अगर वो तलाक दे देता है तो वो तलाक मान्य होता है। चाहे कोई दबाव में दे रहा है, चाहे हंसी मजाक में दे रहा है, चाहे एक्टिंग करते हुए दे रहा है, तो वो तलाक मान्य हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। शिया शाखा वाले कहते हैं नशे में, दबाव में मजाक में दिया गया तलाक मान्य नहीं है, इंटेंशन होना जरूरी है। अगर इंटेंशन नहीं है और कोई गलती से तलाक बोल दे तो वहां पर शिया शाखा वाले तलाक को मान्य नहीं करते हैं। उनका शिया वाले कहते हैं इंटेंशन होगा तो ही तलाक होगा। ठीक है, तो ये तलाक के अंतर थे, ये तरीके देने के ढंग थे। अब आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डायवोर्स मुस्लिम विधि में। तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से विवाह विच्छेद हो सकता है मुस्लिम में, दो प्रकार से विवाह विच्छेद हो सकता है। फर्स्ट, पक्षकार की मृत्यु द्वारा। अगर विवाह के दंपति में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो वहां पर विवाह विच्छेद डायवोर्स अपने आप हो जाता है। सेकंड आता है पक्षकारों के कर्म द्वारा, एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकार ऐसा कोई कार्य
देते हैं जिससे भी विवाह विच्छेद हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है। एक्ट ऑफ पार्टीज को हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पति द्वारा तलाक विवाह विच्छेद, पति द्वारा विवाह विच्छेद। सेकंड आता है पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद भी किया जा सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है, म्यूचुअल कंसेंट यानी पारस्परिक सहमति द्वारा भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। फोर्थ आता है फस्क यानी न्यायिक विवाह विच्छेद भी किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा भी विवाह विच्छेद करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पति द्वारा विवाह विच्छेद किस तरीके से किया जा सकता है। पति द्वारा विवाह विच्छेद तीन प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट आता है तलाक, सेकंड आता है इला और थर्ड आता है जिहार। तलाक, इला और जिहार। तलाक क्या है? तलाक पति को दी गई अनियंत्रित पावर है विवाह विच्छेद करने की, पति को दी गई अनियंत्रित पावर है। तलाक अरबी शब्द है, तलाक जो शब्द है वो अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है निराकरण करना या छुटकारा प्राप्त करना, निराकरण करना या छुटकारा प्राप्त करना अरबी शब्द है। तलाक की पावर मुस्लिम विधि में, तलाक की पावर मुस्लिम विधि में सिर्फ और सिर्फ पति को दी गई है और ये अनियंत्रित पावर है, यानी पति की जब इच्छा चाहे वो डाइवोर्स तलाक दे सकता है, उसने उसको रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है, कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों तलाक दे रहा है अपनी वाइफ को, यानी बिना कारण बताए हुए भी पति तलाक दे सकता है अपनी वाइफ को। ये जो पावर है तलाक देने की वो अनियंत्रित है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तलाक देने की पावर केवल और केवल पति को प्राप्त है, पत्नी तलाक पति को नहीं दे सकती। यानी पत्नी विवाह विच्छेद तो करवा सकती है लेकिन तलाक पति को नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये पति को पावर थी। ये जो तलाक है इसका इफेक्ट क्या होता है? तलाक देने के बाद में जैसे ही तलाक डाइवोर्स तलाक पूर्ण होता है, पक्षकारों के उत्तराधिकार संबंधी सब अधिकार तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही तलाक पूर्ण होता है, तलाक अखंडनीय होता है, इरिवोकेबल होता है, पक्षकारों के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, उत्तराधिकार संबंधी सब नियम खत्म हो जाते हैं। अब आता है तलाक को भी दो भागों में बांटा गया है, तलाक उल सुन्नत। फर्स्ट आता है तलाक उल सुन्नत और सेकंड आता है तलाक उल बिदत। सुन्नी शाखा वाले तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिदत दोनों को मान्यता देते हैं। सुन्नी शाखा वाले तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिदत यानी तलाक के दोनों तरीकों को सुन्नी वाले मान्यता प्रदान करते हैं कि इन दोनों ही तरीकों से तलाक लिया जा सकता है। लेकिन शिया वाले, शिया शाखा वाले सिर्फ तलाक उल सुन्नत को मान्यता प्रदान करते हैं, वो तलाक उल बिदत के द्वारा दी गई तलाक को मान्यता प्रदान नहीं करते, या ऐसे तलाक उल बिदत की सहायता से अगर कोई तलाक देता है पुरुष अपनी वाइफ को तो वो उस तलाक को मान्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिदत तलाक के दो प्रकार हैं। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिदत दोनों ही तलाक के प्रकार हैं। यानी दोनों की सहायता से कौन तलाक दे सकता है? पति तलाक दे सकता है, मुस्लिम पति तलाक दे सकता है। तो अब तलाक उल सुन्नत जिसको सुन्नी और शिया दोनों शाखा वाले मान्यता प्रदान करते हैं, तलाक उल सुन्नत क्या है? तलाक उल सुन्नत यानी पति द्वारा जब तलाक दिया जाता है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, प्राश्चित करने का समय मिलता है। यानी तलाक उल सुन्नत को मोहम्मद
प्रदान करते थे कि हाँ अगर पक्षकार दोनों साथ में नहीं रह सकते तो वहाँ पर तलाक और सुन्नत के तरीके से उनमें तलाक करवा दिया जाना ही बेहतर है। इसमें एक किस्सा भी है, मोहम्मद साहब के पास एक साहबी आए, साहबी मतलब उनके जो जब वो देवी पाठ बताते थे वहाँ संदेश देते थे तो एक लेडी आई मोहम्मद साहब के पास और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने शौहर के साथ में नहीं रहना चाहती, मैं अपने शौहर के साथ में नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या वो गरीब है, क्या वो तुम्हारे लायक नहीं है? तो उसने कहा नहीं, ना वो गरीब है, वो मेरे लायक नहीं है। यानी यहाँ पर महिला डायवोर्स तलाक मांग रही थी तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर वो दोनों साथ में नहीं रह सकते तो उनका अलग होना ही बेहतर होगा। ये एग्जांपल आगे मैं और विस्तार से बताऊंगी, खुला जब पढ़ेंगे हम तो उसको विस्तार से एग्जांपल को मैं बताती हूँ, ठीक है? तो इसमें कहा कि मोहम्मद साहब ने कहा अगर दोनों पक्षकार साथ में रहना उनका बेहतर नहीं है दोनों के ही लिए, तो पुरुष मुस्लिम पुरुष अपनी वाइफ को सुन्नत के तरीके से, यानी सुन्नत क्या, मोहम्मद साहब द्वारा बताया गया आचरण, किया गई कही गई बातें या जिसके बारे में उन्होंने वो पढ़ा है सुन्नत, यानी मोहम्मद साहब की सुन्नत के अकॉर्डिंग वो अपनी वाइफ से तलाक ले सकता है। उसको बोलते हैं यानी मोहम्मद, जिस तलाक को मोहम्मद साहब मान्यता प्रदान करते हैं उस तलाक को तलाकुल सुन्नत कहते हैं। अब तलाकुल सुन्नत भी दो प्रकार है, पहले तलाक के दो प्रकार, तलाकुल सुन्नत तलाकुल बिदत। अब तलाकुल सुन्नत को भी दो भागों में बांटा गया है, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। तलाक ए हसन का मतलब ये है, ए हसन अरबी शब्द है, अरबी शब्द है, हसन और ए हसन दोनों ही अरबी शब्द है। ए हसन का अरबी शब्द है, इसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और हसन का अरबी शब्द है, इसका मतलब है श्रेष्ठ। तो ए हसन और हसन दोनों ही सुन्नत तरीके से तलाक दिए जाते हैं। तो तलाक ए हसन कैसे दिया जाता है, तलाक ए हसन किस तरीके से दिया जाता है? तो तलाक ए हसन देने का आसान सा तरीका है जिसमें पति अगर गलती से नशे में दबाव में किसी का तलाक बोल भी देता है तो वहां पर उसको प्रायश्चित करने का टाइम पीरियड मिल जाता है, टाइम पीरियड मिल जाता है। तो ए हसन की फर्स्ट शर्त क्या आती है, ए हसन की फर्स्ट शर्त यह आती है कि उसको एक उच्चारण करना होगा, एक उच्चारण करना होगा कि मैं अपनी वाइफ को, पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ या तलाक दे रहा हूँ। उसके शब्द स्पष्ट होने चाहिए। ये उच्चारण कब किया जाएगा, सेकंड, ये उच्चारण पत्नी की तुहर की अवस्था में किया जाएगा, तुहर की अवस्था यानी पाक साफ अवस्था में, यानी मासिक धर्म या रजो धर्म आने के बाद की जो कंडीशन स्थिति होती है, मासिक धर्म के 5 से 7 दिन के बाद में उसको ये उच्चारण करना होता है। यानी वो एक बार बोल, तुहर पत्नी तुहर की अवस्था में होगी यानी पाक साफ स्थिति में होगी, तब वो उच्चारण करेगा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ। वो उसका उसकी उपस्थिति हो यह आवश्यक नहीं है, वो पत्नी का नाम संबोधित करते हुए उसको संबोधन करते हुए ऐसा उच्चारण कर सकता है। तो फर्स्ट बात थी कि उसको एक उच्चारण करना है, पत्नी की तुहर की अवस्था में वो उच्चारण करना चाहिए। अगर पत्नी को मतलब पत्नी अगर पक्षकारों सॉरी अगर पक्षकारों में रिलेशन ही नहीं बना, समागम नहीं हुआ,
तो तुहर की अवस्था हो ये आवश्यक नहीं है। वो किसी मान लो पत्नी अभी आई नहीं ससुराल और वो पुरुष तलाक देना चाहता है तो समागम नहीं हुआ तो तू बिना तुहर की अवस्था में ही वो उच्चारण कर सकता है। ये जो उच्चारण किया जा रहा है यहाँ मौखिक, ये तुहर की अवस्था मौखिक उच्चारण करते समय आवश्यक मानी गई है। अगर वो रिटर्न में तलाक देता है तो कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी तुहर की अवस्था में हो। यानी मौखिक उच्चारण अगर पुरुष कर रहा है तो पत्नी का तुहर की अवस्था में होना आवश्यक है। अगर वो रिटर्न में तलाक दे रहा है, तलाक उल सुन्नत एहसन देता है तो वहां पत्नी की तुहर की अवस्था में होना आवश्यक नहीं। थर्ड और इम्पोर्टेंट बात ये आती है इसमें, फर्स्ट उच्चारण, सेकंड पत्नी की तुहर की अवस्था में, थर्ड आता है इद्दत की अवधि तक। इद्दत की अवधि तक पक्षकारों में समागम नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं बनना चाहिए। यानी एक बार उसने उच्चारण किया, उच्चारण करने से क्या तलाक हो जाता है, ऐसा होता है, अखंडनीय रहता है तब तक। कब तक? जब तक कि वो इद्दत की अवस्था पूरी नहीं कर लेती। इद्दत कितनी है तलाक पे? 3 महीने। यानी जब उसने उच्चारण किया उस तारीख से 3 महीने तक वो इद्दत की अवस्था में रहती है। अगर इन 3 महीनों यानी इस इद्दत की अवधि में पक्षकारों में समागम या रिलेशन वापस बन जाता है तो तलाक क्या है? खंडनीय हो जाता है। यानी अहसन का कोई प्रभाव नहीं होता, तलाक रिवोकेबल हो जाता है। यानी अखंडनीय इरिवोकेबल कब तक रहता है? इद्दत की अवस्था तक रहता है। यानी उस तलाक जो अहसन से दिया गया था उस तलाक का खंडन पति कब तक कर सकता है? जब तक कि पत्नी इद्दत की अवस्था में रहती है तब तक वो उस तलाक को इरिवोकेबल कर सकता है या उस तलाक को खंडन कर सकता है। समझ आया? फर्स्ट शर्त क्या होती है अहसन में? एक उच्चारण होना चाहिए पति द्वारा। सेकंड, पत्नी की तुहर की अवस्था में होना चाहिए वो उच्चारण। थर्ड आता है इद्दत की अवस्था तक, इद्दत की अवधि तक पक्षकारों में समागम या रिलेशन नहीं बना है तो ही तलाक इरिवोकेबल होगा, अखंडनीय होगा। यानी इद्दत की अवधि तक अगर पक्षकारों में रिलेशन बन जाता है तो जो अहसन तरीके से तलाक दिया था उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माना जाएगा उसने तलाक दिया ही नहीं। यानी प्रायश्चित करने का समय कितना है पति के पास में? वो इद्दत की अवधि यानी 3 महीने उसके पास प्रायश्चित करने का समय है कि अगर उसने नशे में दिया, उच्चारण दबाव में दिया या मजाक में दिया, उच्चारण कर दिया तो उसके पास 3 महीने यानी इद्दत की जो अवधि है उसमें वो अपना प्रायश्चित कर सकता है, रिलेशन बना के वो उस तलाक को अखंडनीय बना सकता है, खंडन कर सकता है उस तलाक का। ठीक है, तो ये था अहसन। अब हसन, हसन में क्या होता है? ये भी श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ है हसन का श्रेष्ठ, अरबी शब्द है हसन और उसका अर्थ है श्रेष्ठ। ये तलाक देने का एक उचित तरीका है, विल्सन महोदय हैं जिनके अनुसार ये बेहतर या उचित तरीका है तलाक देने का। इसमें क्या होता है कि पति को एक उच्चारण पत्नी की तुहर की अवस्था में करना होगा, यानी एक मंथ में जब वो पाक साफ स्थिति में हो तब उसको एक उच्चारण करना होगा। फिर नेक्स्ट मंथ दूसरा उच्चारण दूसरी तुहर की अवस्था में करना होगा और थर्ड उच्चारण तीसरी तुहर की अवस्था में करना होगा। एक उच्चारण एक तुहर की अवस्था में, दूसरा उच्चारण दूसरे तुहर की अवस्था में और तीसरा उच्चारण
तीसरे कुह की अवस्था में करना होगा, यानी उसको तीन बार उच्चारण करना होगा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ। पत्नी तुहर की अवस्था में होनी आवश्यक है। सेकंड उच्चारण दूसरी तुहर की अवस्था में करेगा और थर्ड उच्चारण तीसरे तुहर की अवस्था में करेगा, यानी उसको तीन समय में उच्चारण करना होगा, तीन मंथ लगातार उच्चारण करना होगा। जब वो तीसरा उच्चारण करता है तो तलाक अखंडनीय हो जाता है, तलाक इरिवोकेबल हो जाता है, यानी उसके बाद में वो उसका खंडन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है, यहाँ पर उसको दो मंथ टाइम पीरियड मिल रहा है। तलाकुल अहसन में तीन मंथ इद्दत की अवधि तक टाइम पीरियड मिला था और हसन में दो समय मिलेगा, दो मंथ मिलेंगे। फर्स्ट उसने उच्चारण किया, जैसे जनवरी में उसने पत्नी की पाक साफ अवस्था में उसने उच्चारण किया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है। तो जनवरी से तुहर की अवस्था में उसने उच्चारण किया। अब फरवरी में जब पत्नी तुहर की अवस्था में होगी तब उसको दोबारा उच्चारण करना होगा। तो जनवरी से लेके फरवरी, यानी एक तुहर से दूसरे तुहर के बीच की जो अवधि है वहां पर वो प्रायश्चित कर सकता है, यानी पक्षकारों के बीच में अगर रिलेशन बन जाता है तो तलाक खंडनीय हो जाता है। हसन जो तलाक दिया जा रहा है वो खंडनीय हो जाता है, माना जाएगा कोई तलाक शब्द का उच्चारण इसने नहीं किया था, ठीक है। तो अगर उसने फरवरी में दूसरा उच्चारण किया और जनवरी और फरवरी के बीच में पक्षकारों में रिलेशन नहीं बना, समागम नहीं हुआ, तो फिर उसको तीसरा उच्चारण कब करना होगा, मार्च में करना होगा। तीसरा उच्चारण नेक्स्ट मंथ, यानी जब भी वो तुहर की अवस्था में होगी तब उसको करना होगा। तो अगर दूसरे तुहर और तीसरे तुहर की अवधि के बीच में भी अगर पक्षकारों में रिलेशन बन जाता है तो तलाक अखंडनीय हो जाता है, इरिवोकेबल हो जाता है, यानी वो ऐसा माना जाएगा तलाक, दूसरा उच्चारण भी उसने नहीं किया। और अगर पहले तुहर और दूसरे तुहर के बीच में रिलेशन नहीं बना और दूसरे और तीसरे तुहर की अवस्था में भी रिलेशन नहीं बना, तो तीसरा उच्चारण जब भी पति करेगा तलाक खंडनीय हो जाएगा, रिवोकेबल हो जाएगा, यानी तलाक तीसरा उच्चारण करते ही तलाक पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर इद्दत की अवधि उसको टाइम पीरियड नहीं मिलती प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। तो अहसन में तो तीन मंथ मिलते हैं प्रायश्चित करने के लिए और हसन में दो ही मंथ मिलते हैं, फर्स्ट तुहर से सेकंड तुहर के बीच की अवधि और सेकंड तुहर से थर्ड तुहर के बीच की अवधि। तुहर के अवधि के बीच में वो अगर पक्षकारों के बीच में रिलेशन बन जाता है तो माना जाएगा कि उसने तलाक नहीं दिया था। ये था तलाक उस सुन्नत के दो प्रकार, जिसे मोहम्मद साहब भी मान्यता प्रदान करते हैं कि अगर नशे में दबाव में गलती से कुछ भी अगर तलाक का उच्चारण हो भी जाता है तो पति को प्रायश्चित करने का समय मिल जाता है, ठीक है। तो ये सुन्नत है मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग, इस प्रकार से तलाक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है तलाकुल बिद्दत, तलाक का दूसरा तरीका तलाकुल बिद्दत, जिसे तलाकुल बैन भी कहते हैं, तलाकुल बैन भी कहते हैं या तीसरा तलाक बोलते हैं जिसको। तीसरा तलाक, जैसे ही शब्द का उच्चारण किया जाता है तलाक पूर्ण हो जाता है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को कहता है मैं तुम्हें तीन तलाक देता हूँ या तलाक तलाक तलाक, जैसे ही वो इन तीन शब्दों का उच्चारण करता है तलाक पूर्ण हो जाता है, वहां उसे प्रायश्चित करने का कोई टाइम पीरियड नहीं मिलता है। तलाकुल बिद्दत मोहम्मद साहब मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उनके बाद में जो पीढ़ियां आई
उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से तलाकुल बिद्दत को या तलाकुल बैन को मान्यता प्रदान कर दी, परंपरा बना दी। क्यों? क्योंकि वो अरब देशों वाले क्या है, खाड़ी देशों में व्यापार करने जाते थे और वहां वो शादियां भी कई शादियां करते, एक शादी की दूसरे को तलाक दिया, दूसरी शादी की तीसरी को तलाक दिया, ऐसे करके वो तलाक को तलाकुल बिद्दत के द्वारा तलाक दे देते थे। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने सुन्नी शाखा वाले ही मान्यता प्रदान करते हैं, शिया वाले तो तलाकुल बिद्दत को मानते ही नहीं, कहते ही नहीं कि तलाकुल बिद्दत जैसी भी कोई चीज है, और अगर ऐसे तलाक दिया जाता है तो वो शिया वाले इस तलाक को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तलाकुल बिद्दत, तीसरा तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करवाने के लिए सबसे पहला केस शाहबान अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 में कोर्ट में लगाया गया, जिसमें कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको तलाकुल बिद्दत या तलाकुल बैन को, ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का कहा भी, लेकिन वो वहां पे घोषित हुआ नहीं। फिर 2002 में शमीम आरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में भी इसको असंवैधानिक घोषित करवाने की मांग की, और फाइनली शायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश राज्य 2018 में शायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट में ये कई याचिकाएं फाइल हुई और कहा तलाकुल बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस संवैधानिक पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने शायरा बानो, हमने पढ़ा कि तीसरा ट्रिपल तलाक किस केस में असंवैधानिक घोषित किया गया, शायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 के बाद में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक पीठ ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, और 2019 में शायरा बानो के केस के प्रभाव के कारण मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 एक्ट अधिनियम आया। इस एक्ट में बताया गया ट्रिपल तलाक देना असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दंडनीय भी है, ये एक संज्ञेय अपराध माना गया है, कॉग्निजेंस ऑफेंस है, जिसमें अगर कोई मुस्लिम पति ट्रिपल तलाक देता है, तलाकुल बिद्दत देता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। साथ में ही यहाँ पर दंडात्मक प्रोविजन भी शामिल किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम पति ट्रिपल तलाक देता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, साथ में जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। तो मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा अब ट्रिपल तलाक देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, साथ में दंडात्मक भी है। ये था तलाक की प्रोविजन। इसके बाद में पति द्वारा और किस प्रकार से डाइवोर्स दिया जा सकता है, विवाह विच्छेद किस प्रकार किया जा सकता है। सेकंड आता है इसमें इला। इला क्या होता है? इला जिसमें मुस्लिम पति खुदा की कसम खा के ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ 4 महीने तक रिलेशन नहीं बनाऊंगा, यानी वो खुदा को साक्षी मान के अलग रहने की, 4 महीने तक अलग रहने की कसम खाता है। तो यहाँ पर ये इला क्या है, अगर वो 4 महीने तक अलग रहता है, सेपरेट रहता है अपनी वाइफ से, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर 4 महीने तक रिलेशन नहीं बनता है, तो इस प्रकार से भी वो मुस्लिम पति अपनी वाइफ को विवाह विच्छेद करवा कर सकता है, डाइवोर्स दे सकता है। यहाँ पर पत्नी जाती है कोर्ट में, पति ने इला किया है तो पत्नी जाती है कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिहाद। ये भी पति द्वारा डाइवोर्स देने का एक तरीका है। जिहाद में क्या कहता है, मुस्लिम पति, कोई भी मुस्लिम पति जो
विवाह विच्छेद करना चाहता है अपनी पत्नी से, वो क्या करता है, वो ये कहता है वो अपनी पत्नी की तुलना अपनी निषिद्ध आवश्यकताओं में से किसी से करता है। यानी वो कहता है कि वो अपनी पत्नी को अपनी माँ या बहन के तुल्य मानता है, यानी वो उनकी तुलना अपनी माँ या बहन से करता है। तो वहां पर वो क्या है, एक डायवोर्स लेने का तरीका है, यानी अलग रहने का तरीका है। अगर वो अपनी वाइफ को कहता है कि आप तो मेरी बुआ की बेटी बहन हो, या आप तो मेरी मामा की बेटी बहन हो, या मौसी की बेटी बहन जैसी हो, तो यहाँ पर अलग होने के भाव में अगर वो तुलना करता है तो जिहार होगा। और अगर वो प्रशंसा के तौर पे तुलना करता है, कहता है कि आप तो मेरी मम्मी जैसा खाना बनाते हो, या मेरी बहन जैसे सुंदर दिखते हो, यहाँ पर तुलना प्रशंसा की तुलना की प्रशंसा के रूप में की जा रही है, तो यहाँ पर जिहार नहीं होगा। जिहार में भी पति तुलना करता है, अगर वो प्रायश्चित नहीं करता है तो पत्नी कोर्ट में जाती पत्नी कोर्ट में। तो जिहार में प्रायश्चित कर सकता है, उसके पास टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड में वो प्रायश्चित कैसे करेगा, वो एक महीने के रोजे रखकर, या 60 गरीबों को भोजन कराकर, या एक दास को मुक्त करके भी वो प्रायश्चित कर सकता है। तो ये थे पति द्वारा डायवोर्स लेने के तरीके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद या डायवोर्स किस तरीके से किया जा सकता है। तो तलाक के तफवीज है। तो तलाक तो किसकी पावर है, तलाक लेने की पावर, तलाक देने की पावर पति की है, पत्नी तो तलाक दे नहीं सकती। लेकिन तफवीज शब्द आया है यहाँ पर, तफवीज का मतलब है प्रत्यायोजन डेलीगेशन। यानी निकाह की संहिता जब होती है तो पति अपनी तलाक देने की जो पावर है उसको कुछ शर्तों के साथ में पत्नी को डेलीगेट कर देता है, प्रत्यायोजित कर देता है। एग्जांपल, पति और पत्नी में अगर ये निकाह के समय ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये शर्त लग रखी जाती है कि पति अगर सेकंड मैरिज प्रथम पत्नी फर्स्ट वाइफ की सहमति के बिना करता है, सेकंड मैरिज प्रथम पत्नी की सहमति के बिना करता है, तो प्रथम पत्नी जो होगी उसको तलाक लेने की पावर है। तलाक देने की शक्ति तो पति की है, तलाक पत्नी ले नहीं सकती। अगर पावर डेलीगेट की हुई है तो पत्नी तलाक ले सकती है, अगर उस शर्त का उल्लंघन हुआ है तो ये तलाक एक तफवीज बोलते हैं, या प्रत्यायोजित तलाक बोलते हैं। यानी इसमें कुछ शर्तों के साथ में अंतरित कर दी जाती है, पत्नी को प्रत्यायोजित की जाती है। तो क्या तलाक देने की पावर को अगर प्रत्यायोजित पत्नी को कर दिया तो पति की तलाक देने की पावर खत्म हो जाती है क्या? नहीं, पति की तलाक देने की शक्ति खत्म नहीं होती। अगर उसने तफवीज प्रत्यायोजित डेलीगेशन कर भी दिया है तलाक देने की शक्ति का, फिर भी उसकी पावर खत्म नहीं हो। ये तो शर्त का उल्लंघन होगा तो पत्नी तलाक के तफवीज ले सकती है, अगर शर्त का उल्लंघन ही नहीं हुआ तो पत्नी अधिकार स्वरूप तलाक के तफवीज की मांग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है डायवोर्स में कि और डायवोर्स तीसरा तरीका है म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक सहमति से भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। अगर दोनों पक्षकार आपस में सहमत नहीं है, रजामंद नहीं है, साथ रहने को तैयार नहीं है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से डायवोर्स ले सकते हैं। खुला और मुबारक दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डायवोर्स लेने के प्रकार है। तो खुला में क्या शर्त है, खुला ऑफर कौन करता है, खुला में पत्नी ऑफर करती है कि आप मुझे डायवोर्स दे दो, और उसके बदले में वो प्रतिफल भी देती है, या तो कुछ संपत्ति देगी या अपनी मेहर की राशि छोड़ देगी। और पति से ऑफर करती है कि आप ये पैसे या ये मेहर की राशि ले लो और इसके बदले मुझे डायवोर्स विवाह विच्छेद कर दो।
तो यहाँ पर पत्नी खुला होना चाहती। इसमें वो जो हदीस वाला एक पहले मैंने बताया था वो किस्सा इसी में आता है। मोहम्मद साहब के पास एक लेडी आती है पर्दा नशीन, पर्दे में बुरखे में आती है और उस मोहम्मद साहब से कहती है कि मैं अपने पति के साथ में नहीं रहना चाहती। तो मोहम्मद साहब ने पूछा कि आप क्यों नहीं रहना चाहती, क्या वो आपके दाम्पत्य अधिकारों का पालना नहीं कर रहा है, ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा है, क्या वो गरीब है या इतना गरीब है कि आपको खाना ही नहीं खिला पा रहा है, क्या दिक्कत क्या है। तो उस महिला ने अपना नकाब पर्दा ऊपर उठाया और कहा कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मेरा पति इतना भद्दी शक्ल वाला है, मैं उसके साथ रह नहीं सकती। अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता तो मैं इसकी शक्ल पे थूक देती। यानी यहाँ पर मोहम्मद साहब ने देखा कि दो ऐसे जोड़ा साथ में है जिनकी एकदम बिल्कुल ही नहीं बनती। तो वहाँ मोहम्मद साहब ने कहा क्या पति से मिली हुई संपत्ति और महर आप दोनों उसको देने के लिए तैयार हैं? तो उस लेडी ने कहा हाँ, मैं पति को वो संपत्ति और वो महर की राशि दोनों ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे डायवोर्स या विवाह विच्छेद चाहिए, उसके साथ मैं नहीं रह सकती। तो मोहम्मद साहब ने कहा म्यूचुअल अगर दोनों सहमत है तो ऐसी जोड़ी को या ऐसे कपल्स को साथ में नहीं रहना चाहिए, वहां पर डायवोर्स होना ही एक उचित उपचार है। तो खुला में ऑफर कौन करती है? पत्नी करती है, इसके बदले में वो प्रतिफल भी देती है और पति से डायवोर्स खरीदती है, यानी अपना खुला मांगती है कि मुझे विवाह विच्छेद या डायवोर्स खरीद लेती हूँ। और सेकंड आता है मुबारक में म्यूचुअल कंसेंट से है, तो कोई भी पक्ष का चाहे पति चाहे पत्नी कोई भी ऑफर कर सकते हैं, इसमें प्रतिफल देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों ही पक्ष का रजामंद है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो वहां पे मुबारक के द्वारा म्यूचुअल कंसेंट से उनके बीच में डायवोर्स किया जाता है। खुला और मुबारक दोनों में अंतर किया गया है मुंशी बुजुल रहमान वर्सेज लतीफ़ुनिशा के केस में अंतर समझाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि खुला और मुबारक के बीच में कौन से केस लॉ में अंतर किया गया है, डिफरेंस कौन से केस में किया गया है। तो मुंशी बुजुल रहमान वर्सेज लतीफ़ुनिशा के केस में ये अंतर किया गया है। नेक्स्ट आता है न्यायिक विवाह विच्छेद, जुडिशियल डिवोर्स, इसको बोलते हैं फस्क भी बोलते हैं। जुडिशियल डिवोर्स को फस्क बोलते, यानी ऐसा विवाह विच्छेद या ऐसा डिवोर्स जो न्यायालय के माध्यम से करवाया जाता है। इसका फर्स्ट आता है लियल। लियल में क्या होता है, मुस्लिम पति अगर अपनी वाइफ पर अपनी पत्नी पर झूठा मिथ्या आरोप लगाता है पर पुरुष गमन का, यानी व्यभिचारिणी एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है और कहता है कि आपकी रिलेशन किसी अन्य व्यक्ति से है पर पुरुष गमन का झूठा आरोप लगाता है, तो पत्नी के पास यह एक अधिकार आ जाता है कि वो कोर्ट के माध्यम से डायवोर्स ले सकती है। लेकिन लियल में न्यायालय तीन चीजें देखेगा, पति वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, स्वस्थचित होना चाहिए, बिना किसी दबाव के ऐसा वो आरोप लगा रहा है और आरोप का मिथ्या होना झूठा होना जरूरी है। मिथ्या आरोप होगा तो ही पत्नी कोर्ट से लियन के माध्यम से, लियन का आरोप लगाया गया है तो कोर्ट से डायवोर्स ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्ट बना हुआ है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स बताए हैं। इन 9 ग्राउंड्स के आधार पे पत्नी कोर्ट में केस फाइल करके डायवोर्स मांग सकती है। यहाँ पे ये जो 9 ग्राउंड्स है सिर्फ पत्नी को आधार प्रदान करते हैं, पति को
नहीं, यानी वो विवाह विच्छेद करवा सकती है, लेकिन रीजन हो तो, अगर कारण या रीजन ही नहीं है तो वो डाइवोर्स नहीं करवा सकती है। फर्स्ट ग्राउंड ये आता है कि पति का लापता होना। अगर कोई मुस्लिम पति 4 साल से पता ही नहीं उसका, तो उसकी पत्नी 4 वर्ष से लापता होने के आधार पर कि 4 वर्ष से उसका कोई आता पता नहीं है, तो वो डायवोर्स की या विवाह की डिग्री प्राप्त कर सकती है। लेकिन न्यायालय संतुष्ट होता है तो डिग्री देता है। अब डिग्री देती न्यायालय, उस डिग्री का एग्जीक्यूशन 6 माह तक, 6 मंथ तक नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। अगर इन 6 मंथ में वो मुस्लिम पति जो लापता था या उसका कोई एजेंट आकर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है या आप समाधान करा देता है कि इस वजह से वो बाहर था या पता नहीं चल पा रहा था, अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो उस डिग्री को अपास कर देगी, सेट असाइड कर देगी, और जो डायवोर्स की जो डिग्री आई थी उसको सेट असाइड किया और माना जाएगा कि कोई तलाक, सॉरी कोई विवाह विच्छेद या डायवोर्स इनके बीच में नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, भरण पोषण नहीं करना। अगर कोई महिला कोर्ट में ये डायवोर्स के लिए आवेदन करती है और कहती है कि उसका पति 2 वर्ष से उनका भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं कर रहा, तो वहां पर न्यायालय संतुष्ट होता है तो डायवोर्स दे सकता है। नेक्स्ट, कारावास। अगर किसी महिला के पति को 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कारावास दिया गया है, जो दंडादेश दिया गया है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का कारावास, जेल सजा दी गई, जो सजा दी गई है या जो दंडादेश दिया गया है वो अंतिम होना चाहिए। अगर ट्रायल में चल रहा है तो डायवोर्स की डिग्री नहीं आएगी, सजा अंतिम या जो दंडादेश है, पनिशमेंट है, वो फाइनल होनी चाहिए। फाइनल होने के बाद में न्यायालय लगता है कि हाँ 7 वर्ष से अधिक का कारावास दे दिया गया, तो न्यायालय डायवोर्स की डिग्री जारी कर सकता है। नेक्स्ट, कि अगर कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक दायित्व की पूर्ति 3 वर्ष तक नहीं कर रहा है, लगातार 3 वर्षों से नहीं कर रहा है, तो पत्नी के पास ये आधार प्राप्त है कि वो न्यायालय से डायवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट, नपुंसकता। विवाह के समय, निकाह के समय और आवेदन किए जाने के समय अगर कोई व्यक्ति नपुंसक है तो उसकी वाइफ नपुंसकता के आधार पर डायवोर्स की डिग्री ले सकती है, आवेदन कर सकती है। यहाँ पर न्यायालय डिग्री तब तक नहीं देगा जब तक कि उसके पति को आवेदन करने को कहेगा और कहेगा कि 1 वर्ष के भीतर आप ये साबित कर दो कि आप नपुंसक नहीं हो, और न्यायालय अगर वो अपने आवेदन को सिद्ध नहीं कर पाता है तो न्यायालय नपुंसकता के आधार पर डायवोर्स की डिग्री जारी करती है। नेक्स्ट आता है पागलपन। अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष से पागल है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, या कुष्ठ रोग है, या अन्य रतिजन्य रोग है, उग्र रतिजन्य रोग है, तो वहाँ 2 वर्ष की अवधि है कि या पागलपन 2 वर्ष तक है, या कुष्ठ रोग 2 वर्ष तक है, या उग्र रतिजन्य रोग है उसको 2 वर्ष तक, तो वहाँ न्यायालय पत्नी के आवेदन पर, एप्लीकेशन पत्नी लगाएगी तो डायवोर्स दे सकता है। नेक्स्ट आता है वैधता का विकल्प, ऑप्शन ऑफ प्रोबेटी, खयारुल बुलुग। खयारुल बुलुग में क्या होता है कि अगर लड़की की शादी 15 वर्ष से पहले करा दी जाती, 15 वर्ष से पहले करा दी जाती है, तो उस लड़की को ये राइट प्राप्त है कि जब वो 15 वर्ष की हो जाए तो वो उस विवाह से अमान्य, उस विवाह को अमान्य कर सकती है या उससे इनकार कर सकती है। कब कर सकती है? कि शादी 15 वर्ष से पहले हुई हो और 15 से 18 के बीच में उसको ये अधिकार प्राप्त है, और थर्ड, 15 से 18 के बीच में स्वतंत्र सहमति से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन नहीं बना हुआ होना चाहिए,
तो वो खैर और गुलूक वैसा के विकल्प का अधिकार को यूज कर सकती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे कि ऑप्शन ऑफ प्रोबेटी क्या होता है, प्राचीनतम विधि क्या थी और वर्तमान में क्या राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्रूरता, क्रूरिटी। अगर पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता करता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, तो पत्नी क्रूरिटी या क्रूरता के आधार पर मारपीट करता है, गाली गलौज देता है, अमान्य शर्तें लगाता है, ऐसी कोई क्रूरिटी करता है, चाहे शारीरिक करता है चाहे मानसिक करता है, तो पत्नी को डाइवोर्स लेने का अधिकार प्राप्त होता है सेक्शन 2 के सपोज 8 के तहत। अन्य आधार, अन्य आधार जो मुस्लिम विधि या पर्सनल लॉ में बताए, जैसे लियन है, इला है, जिहार है या तलाक तफवीज है, इन अन्य माध्यमों से हम न्यायालय के माध्यम से डिवोर्स ले सकती है, यानी अन्य कोई आधार जो न्यायालय को उचित लगे डाइवोर्स देने के लिए, तो वहां पर भी न्यायालय डाइवोर्स दे सकता है। एक लास्ट केस में आता है कि अगर पक्षकारों में डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स होते ही कोई भी पक्षकार किसी दूसरे का उत्तराधिकारी नहीं रह सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद ये है कि अगर तलाक दिया जा रहा है, अहसन तलाक दिया जा रहा है, और वो अहसन तलाक मृत्युशया पे, अगर पति मृत्युशया पे है और अहसन तलाक दे रहा है, तो अहसन तलाक दे रहा है तो वो कब खत्म होता है, कब तलाक पूर्ण होता है, इद्दत की अवधि के बाद में, यानी महिला इद्दत की अवधि बिता रही है, और जब पत्नी में इद्दत की अवधि बिता रही है, उस बीच जो मृत्युशया पे उसका हस्बैंड था उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर महिला उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाती है। ये थे विवाह विच्छेद के प्रकार और उसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स के थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन ऑफ प्रोबेटी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।